नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उल्लेखनीय है कि सेवरही ब्लॉक अंतर्गत तरिया सुजान क्षेत्र के ग्राम सभा गड़िया चिंतामढ़ी की ग्राम प्रधान वेदांती देवी पत्नी राम रूप यादव द्वारा कराए गए विकास कार्य की जांच हेतु बीजेपी नेता अखिलेश्वर शाही के द्वारा हाईकोर्ट प्रयागराज में रिट दाखिल हुआ था, जिस पर हाईकोर्ट प्रयागराज द्वारा जांच के आदेश हो गए हैं। सीडीओ कुशीनगर ने डीपीआरओ को आदेश दिया कि स्वेच्छापूर्ण जांच होनी चाहिए। डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी के द्वारा इस जांच को संपन्न किया गया है। जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धनराशि का गमन किया गया है, जिसमें सम्मिलित सचिव राजेश सिंह व ग्राम विकास अधिकारी सेवरही को भी मिलीभगत में पाया गया है। डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी द्वारा ग्राम प्रधान सचिव व ग्राम विकास अधिकारी सेवरही से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन इन लोगों के द्वारा कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। और यहां तक कि डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी द्वारा जांच में इन तीनों लोगों को सरकारी धनराशि गमन करने में संलिप्त भी पाया गया है। जांच उपरांत अब इन तीनों लोगों के ऊपर FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। एक तरफ जहां सरकार स्वच्छ भारत और स्वच्छ मिशन का कैंपेन चलाती है, वहीं इनके अधिकारीगण लोगों के शौचालय का पैसा ही गमन किए जा रहे हैं। तत्कालीन ADO सेवरही को FIR दर्ज करवाने का आदेश भी दिया गया है। मैंने रिट दाखिल किया, हाईकोर्ट से आदेश हुआ, जांच हुआ, जांच में घोटाला पाया गया है और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश हुआ है और धनराशि आयकर विभाग द्वारा जांच कराने जा रहे हैं।